हम लोग कौन सा लेसन पढ़ रहे थे अभी तक? वायु। वायु की शुरुआत में मैंने आप लोग को क्या बताया था? इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? पहले कौन कौन सी गैसें होती हैं? एक एक बच्चा बताएगा। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और एक और चीज बताइए। और एक और चीज जो बर्फ, जल वाष्प भी पानी में उपस्थित होता है। और इसकी जो जांच है, जो हमने इसका एक्सपेरिमेंट किया था, वो बर्फ के टुकड़ों से किया था कि कांच के चारों तरफ जो पानी के वो जो जम जाता है, वो उसकी आर्द्रता, उसको क्या कहते हैं? जल वाष्प की मात्रा को जो वायु में उपस्थित होती है। क्या कहते हैं? आर्द्रता। बोलिए, आर्द्रता या इंग्लिश में ह्यूमिडिटी। जैसे हम लोग को अपने शरीर का तापमान नापना होता है, जब हमें बुखार होता है तब हम लोग क्या करते हैं? थर्मामीटर से बुखार नापते हैं। जैसे आज ये हमारे कमरे में आर्द्रता कितनी है, या बाहर कितना जल वाष्प है, अगर इसको नापना हो तो इसको कैसे नापेंगे? थर्मामीटर से तो तापमान मतलब बुखार नापता है, मतलब कितनी चीज गर्म है या ठंडी है। बैरोमीटर से तो हवा का दाब नापते हैं, हवा का जो दाब होता है, वायु दाब, वो होता है। हमें इसके लिए यंत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा, इसका नाम है हाइग्रोमीटर होता है वाटर, पानी, पानी जल वाष्प को नापने का यंत्र, वो है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर लगा दें अगर हम अपने कमरे में, यहाँ पर जैसे दीवार में भी लग सकता है, और जैसे बैरोमीटर लगता है, जैसे तापमापी होती है, ऐसा ही एक यंत्र होता है, वो हमें ये बताएगा कि आज जल वाष्प कितनी उपस्थित है, आज है कि नहीं है। तुम लोग को क्या महसूस हो रहा है? आज ह्यूमिडिटी है कि नहीं है, मतलब आर्द्रता बहुत ज्यादा है कि नहीं है? किस बात से पता चल रहा है? गर्मी, हम लोगों को गर्मी बहुत ज्यादा महसूस हो रही है, और पसीना और अपने शरीर को छुए बहुत चिपचिपा रहा है। सब लोग खेल कर आए हैं, इतना चिपचिपा रहा है शरीर, है ना? इसका मतलब आज ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा है। क्यों है? बादल, क्योंकि सूर्य डायरेक्ट देखो, नीला आसमान नहीं दिख रहा, बादलों से ढका हुआ है। जब बादल होते हैं तो वायु दाब कम होता है और आर्द्रता बढ़ जाती है, आर्द्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर बहुत ज्यादा इस तरह से वायु दाब में कमी आने लगेगी तो बारिश भी हो जाती है। जब बहुत ज्यादा गर्मी होती है तो हम लोग को बारिश का होता है कि शाम तक बादल बहुत ज्यादा हो गए और बारिश हो, मतलब बन रहा है जल वाष्प लेकिन ऊपर तक नहीं जा पा रहा, मतलब इतना भी ऊपर नहीं जा पा रहा कि वो बादलों तक पहुंचे। इसलिए यही है हमारे वातावरण में, और वातावरण में होने की वजह से आर्द्रता बहुत ज्यादा हो जाती है। जब बारिश होती है, जब वर्षा होती है, तो मैंने बताया था कि वायुमंडल में प्रवेश करने से पहले वर्षा का पानी सबसे शुद्ध पानी होता है, पढ़ाया था ना मैंने, जल में। जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है तो उसमें कौन कौन सी गैसेस उसमें घुल जाती हैं? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड पानी के साथ मिल जाता है, पानी कैसे लिखेंगे? बारिश है ना, हवा वायुमंडल के अंदर घुसा, ये गैस है, क्योंकि आज हम गैसेस पढ़ रहे हैं ना, हवा पढ़ रहे हैं, तो ये गैस है, ये बारिश हुई। जब बारिश और गैस दोनों मिल गई तो क्या हुआ? अम्लीय वर्षा। मैंने क्या बताया था? सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस अम्ल बनता है, जिसको कि हम लोग अम्लीय वर्षा कहते हैं। और इसके मिल जाने से क्या होता है?
जो संगमरमर से बनी बिल्डिंग्स होती है ना, वो सब खुरदरी हो जाती है। जो चूना पत्थर की होता है ना, उसके ऊपर भी ये वर्षा का पानी असर करता है। यहाँ तक कि वनस्पति, जो हमारे पेड़ पौधे हैं, वो भी सड़ जाते हैं। अगर अम्लीय वर्षा होगी तो हमारे पेड़ पौधे भी सड़ जाते हैं। तो ये SO2, CO2, दूसरी कौन सी गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बोनिक अम्ल बनाएगी, जिसकी वजह से कि अम्लीय वर्षा हो सकती है। ये क्या बनाएगी, कार्बोनिक अम्ल। और ये सल्फ्यूरस, अम्ल बनाएगी और अम्लीय वर्षा होगी। और मैंने 5 गैसेस के नाम बताए थे जो निष्क्रिय गैसें कहलाती हैं और जो गुब्बारों में भरी जाती है, बताओ। हीलियम, हीलियम और आर्गन, नियॉन, लिखा था ना नाम, जो किसी से भी क्रिया नहीं करती। अच्छा, आज हम जो एक नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है एक गैस के, जैसे कि आपको बताया था हमने, सबसे इम्पोर्टेंट गैस कौन सी है, क्या है, ऑक्सीजन। आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीजन पढ़ाने से पहले मैं आपको उसका थोड़ा सा इतिहास, हिस्ट्री बता दूं कि इसको खोजा किसने, बताया किसने कि ये ऑक्सीजन है। सबसे पहले हम कोई खोज करते हैं ना, तो किस वैज्ञानिक ने इसको ऐसा किया, ऑक्सीजन को सबसे पहले आप अपने बुक में भी देखो, सन 1771 इसमें स्वीडन देश के एक वैज्ञानिक थे, इनका नाम क्या था, शीले, क्या नाम था, और 1774 में एक दूसरे वैज्ञानिक थे, इनका नाम बताओ, ईस्टले, इन्होंने क्या किया कि एक पदार्थ लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, क्या लिया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को गर्म किया, क्या किया, गर्म किया। आपको अपनी किताब में एक चित्र दिख रहा है, क्या किया इन्होंने, एक टेस्ट ट्यूब ली, इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड डाला। मर्क्यूरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला बताओ, मर्करी का फॉर्मूला, मर्करी समझ रहे हो, इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहते हैं, पारा, जो पारा होता है, जो थर्मामीटर में भरा होता है, उसकी एक ऑक्साइड होती है, उसका नाम है HgO। इसको गर्म किया, क्या किया, इसको गर्म करने से इसकी गैस बाहर आई, गैस निकली, तो वो जलती हुई पीली, क्या किया, जलती हुई पीली और तेज जलने लगी। तो इनको लगा कि इसमें जरूर ऐसी कोई गैस है जो इस जलती हुई तीली को जलने में सहायता कर रही है। आई बात समझ, कि तीली को जलने में सहायता कर रही है, वो इसके अंदर गैस है। उसके बाद एक और है लेवोशिए, किसमें 3 साइंटिस्ट हैं, पहले शीले, फिर प्रिंस्टले, लेवोशिए, लेवोशिए भी, ये भी बाहर के ही विदेश के वैज्ञानिक हैं, इन्होंने भी यही प्रयोग दोहराया और इनको भी लगा कि इसमें एक ऐसी गैस उत्पन्न हो रही है जो कि जलने में सहायता कर रही है। तो इन सब ने मिलकर उस गैस का नाम रखा, क्या नाम रखा, ऑक्सीजन। और तब से ही हम लोग इस गैस को ऑक्सीजन के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब हम इसका पहले फॉर्मूला देख लें,
कि ये जो हम लोगों ने ये तीनों नाम याद हो गए। 1771 में शीले ने, 1774 में प्रीस्टले ने, और कुछ ये तीन नाम है बेटा। आपको ये नाम थोड़े अलग तरह के लग रहे हैं क्योंकि ये विदेशी नाम है, ये हमारे भारत के नहीं है। जैसे भारत के जो वैज्ञानिक है उनका कोई नाम जानते? रामानुजन, सीवी रमन, बोस, ये है ना, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, ये सब भारतीय वैज्ञानिकों के नाम है। लेकिन ये इनमें से कोई भी भारतीय नहीं है। ये सब स्वीडन, यूरोप, अमेरिका, शीले, प्रीस्टले एंड लेवोशी, इन तीनों को ऑक्सीजन गैस का जन्मदाता या इनको ऑक्सीजन को बनाने वाले कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने खोज करी और बताया कि ये गैस ऑक्सीजन है। नाम बोले इनके वैज्ञानिकों के, लेवोशिए। और इन्होंने किसको गर्म किया था? मर्क्यूरिक ऑक्साइड। जब हम लोग गर्म करते हैं तो ऐसे लिखते हैं, गर्म करने पर क्या बना? और जो गैस होती है ना उस पर हम लोग ऐसे निशान लगा देते हैं कि ये ऊपर उठेगी ना, हवा है। अच्छा ये बताओ, अभी उस दिन मैंने तुम लोगों को संतुलित करना सिखाया था, क्या ये समीकरण संतुलित है? है? मरकरी कितना है? ऑक्सीजन वन है इधर, यहाँ ऑक्सीजन। अब क्या करें? इधर ये तो है पहले से, हो नहीं गया। ये देखो अब हुआ, दो हाइड्रोजन, दो पारा मरकरी, दो ऑक्सीजन, यहाँ पे दो मरकरी, दो अब संतुलित हो गई। इसका नाम करो, इसका नाम बोलो, मरक्यूरिक ऑक्साइड बोलो। इसको गर्म करने पर क्या बना? ऑक्सीजन और पारा और मरकरी। ये याद रखना इसको कि ये वो ही प्रयोग है, ये वाला, कि इसको अगर हम लोग नीचे बर्नर लगा दें और गर्म करने लगे तो जो गैस निकलेगी वो ऑक्सीजन होगी और ये जलती हुई तीली और तेजी से जलने लगे। आप सब लोगों को पता है कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते? प्रकाश संश्लेषण। जब वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं तो कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर, ऑक्सीजन बाहर निकाल। इसको भी हम लोग एक प्रयोग के द्वारा थोड़ा सा बता सकते हैं कि जो ये पौधे आपने चारों तरफ देखिए, हरे पौधे दिख रहे हैं? नहीं, यहाँ नहीं, बाहर देखो हरापन दिख रहा है ना। तो ये पौधे अभी दिन का टाइम है, धूप निकली हुई है, तो क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? भोजन बना रहे हैं। सब लोग छठे क्लास में पढ़ चुके हो कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। इसके लिए हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। सब ध्यान से देखो, ये क्या है? बीकर, जो मैं ग्लास के जैसे लाती हूँ कांच का। इस बीकर के अंदर भरो पहले और इसके अंदर हमने जलीय पौधा, जलीय पौधा क्या? हाइड्रिला। वो बहुत पतली पतली इसकी कोशिका पत्तियां होती हैं और ये पौधा केवल पानी में ही जिंदा रहता है, मतलब बाहर जिंदा नहीं, क्योंकि ये प्रयोग हम पानी के अंदर कर रहे हैं ना, पानी के अंदर। तो हम लोग इसके अंदर जलीय पौधा डालेंगे। डाल दिया, ये जलीय पौधा है हमारा, डाल दिया। अब इसके ऊपर की कांच की कीप रखेंगे,
पानी है पूरा। क्या ये पानी से भरी हुई उल्टी करके हमने एक ट्यूब, और ये क्या है? नहीं ये हरा हरा क्या है? चलिए हरा कर देते हैं, चलिए हरा हरा दिखाते हैं इसको। ये हो गया हरा हरा। ये क्या है? ये क्या है? पौधा। क्या है नाम? हाइड्रा। क्या पढ़ो? दिव्या क्या है? हाइड्रिला। जलीय पौधा। हमने जलीय पौधे को क्यों लिया? हमने जलीय पौधे को ही क्यों लिया? हमने घास क्यों नहीं ले ली? क्योंकि ये जल में ऑक्सीजन लेगा। अगर ये पत्ती डालेंगे तो सड़ जाएगी। ये तो जल में घुली ऑक्सीजन को ले नहीं सकती, लेकिन ये पौधे लेते उसी को लेते। जैसे मछली है ना, बाहर निकालो तो मर जाती, तो ऐसे ही ये पौधा अगर पानी से निकालेंगे बाहर तो मर जाएगा, क्योंकि ये केवल जल की ही ऑक्सीजन को लेता है। ठीक है, अब हमने ये सब सेट करके इस पूरे एपरेटस को धूप में रख दिया। जैसे बाहर हमने यहाँ धूप आ रही है, इसको रख दिया, तो कम से कम 3-4 घंटे हमने रखा धूप में इसको, 3-4 घंटे रखा। तो 3-4 घंटे के बाद हमने क्या देखा? यहाँ तक जो ट्यूब है, जो पानी यहाँ तक भरा हुआ था, अब पूरा खाली हो गया। ये पानी नीचे आ गया। कुछ आ रहा है समझ में? ये तो पौधा है हरा वाला, हाइड्रिला। अब 3 घंटे बाद, कितने घंटे बाद? 3 घंटे बाद। जब हम 3 घंटे बाद, पहले इसको कहाँ रखेंगे? धूप में। कहाँ रखा? धूप में। प्रकाश संश्लेषण धूप में ही तो होगा। इसको धूप में रखा, 3 घंटे बाद हमने देखा, तो ये इतना हिस्सा ऑक्सीजन, हमें क्या पता इसमें ऑक्सीजन? हमें तो पता नहीं, बस वो खाली होगी जगह, कोई गैस उसके अंदर भर गई और पानी का लेवल। अच्छा, आप अभी कह रहे हैं कि ये पौधा क्या लेगा? ऑक्सीजन लेगा। गलत बोल रहे हैं। पानी में घुली कार्बन डाइऑक्साइड को लेगा और ऑक्सीजन को लेगा। हाँ। समझ में आ रहा है? अब हमने क्या किया, इसको बाहर निकाला, जो ये गैस भरी हुई थी इसको ऐसे हाथ रख के हमने बाहर निकाला और इसका प्रयोग किया, मतलब तीली जलती हुई ले गए, तो पता चला ये गैस ऑक्सीजन कौन सी है? O2। और इसने जो अंदर ली वो कौन सी गैस थी? और हम लोग क्या करते हैं? उल्टा ऑक्सीजन लेते हैं। इसीलिए तो प्लांट्स को हम लोग फ्रेंड्स कहते हैं ना, कि प्लांट्स हमारे दोस्त हैं, कहते हैं ना। अब इस प्रयोग से सिद्ध हुआ कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारी सहायता करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को हम लोग कैसे लिखेंगे बताइए? ऑक्सीजन यही होता है। प्रकाश संश्लेषण
पोषण की क्रिया में हरे पेड़ पौधे ऑक्सीजन निकालते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं। इस तरह से ये वातावरण में उसका बैलेंस बनाते हैं ना कि ऑक्सीजन बराबर हमको देते रहते हैं। अगर ये लोग ना दें तो हम लोग तो प्रदूषण से ही मर जाए। अगर हम लोग क्यों कहते हैं अधिक पेड़ उगाओ, इसीलिए कि हमें ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत है। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा बाहर निकाल रहे हैं। ये जो हुआ, ये बताया मैंने आपको कि ऑक्सीजन इस तरह से, एक तो वो वैज्ञानिकों ने बनाई, आपने अपनी रसायन की प्रयोगशाला देखी है, नीचे है ना कमरा जिसमें खूब सारी शीशियां रखी होती है। क्या अगर मैं कहूँ मुझे इस कमरे के अंदर ऑक्सीजन बनानी है तो क्या मैं बना सकती हूँ? मैंने यही तो होमवर्क दिया था, याद करो, ये वाला दिया था ना, यही वाला होमवर्क तो दिया था मैंने कि अगर हमें प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनानी है तो हम क्या करेंगे? दुर्गेश रब करो बेटा बोर्ड। जल्दी रब करो। सबसे पहले हम लोग एक चप्पी पैंडी का फ्लास्क लेंगे। क्या लेंगे? चप्पी पैंडी होती है मतलब ऐसे सीधा, क्योंकि इसको गर्म नहीं करना है। जब गर्म करना होता है तो राउंड लेते हैं हम लोग, गोल वाला, क्योंकि ये हमें गर्म तो करना नहीं है, रखना है टेबल पर, तो रखने के लिए तो चपटा होना चाहिए ना। चपटे पैंडे का फ्लास्क, इसके अंदर एक किसिल, दो छेद होने चाहिए। कितने? दो। एक में जाएगी किसिल फनल और एक में जो गैस बनेगी उसकी निकास नली। बन गया? ठीक है, ये क्या बना? फ्लास्क। और ये है किसिल फनल। किसिल फनल में यहाँ से हम लोग एक द्रव गिराएंगे, देखो ऐसे है ना, और यहाँ पर इसका एक ढक्कन आया, समझ? ये क्या है? ये बनाइए निकास नली, और ये जो बनाया इसको क्या कहते हैं? किसिल फनल। अब बताइए, आप बुक में देखिए कैसे बना रहे हैं हम लोग, क्या डाल रहे हैं इसके अंदर? काला पाउडर तो पहले से ही है इसके अंदर। उस काले पाउडर का नाम बताओ। मैंगनीज, MnO2 लिखा है कि नहीं? पड़ोस का नाम मैंगनीज डाई ऑक्साइड। काला पाउडर डालेंगे चप्पी बैंडी के फ्लास्क में, और ऊपर जो थिसल फनल डाली है, जो मटके के जैसा जिसका मुंह बनाया मैंने, नली डाली है, उससे हम लोग क्या डाल रहे हैं बताइए? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। क्या डाल रहे हैं? नाम बोलो सब लोग। हाइड्रोजन, देखो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्साइड दो है, इसीलिए पर ऑक्साइड। जब यहाँ पे मैग्नीज डाइऑक्साइड है, यहाँ पे हाइड्रोजन पर ऑक्साइड है, अब हमने इसके अंदर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड डालना शुरू किया। ये यहाँ तक आई और ये पूरी यहाँ तक भर गया। जैसे ये जाएगा इसके ऊपर तो इसमें गैस के बुलबुले उठने लगेंगे और ये गैस बनने लगेगी। जब गैस बनेगी तो ऊपर उठेगी, तो इसको बाहर निकलने के लिए रास्ता चाहिए, तो वो हम लोग निकास नली डाल दी। अब हम लोग इस निकास नली को कहाँ ले जाएंगे? इसको पानी में कलेक्ट किया जाता है। ये क्या है? निकास नली। निकास नली को यूं मोड़ के इसको यूं अंदर डालेंगे और यहाँ पर हम लोग एक बड़ा सा पॉट पानी से भरा हुआ, ठीक है, और इसके पास में एक वो होता है,
इसका नाम? नीलम पढ़ो, तुम अभी कुछ बोल रही थी, कुछ आप बोल रहे थे। मधुर कोश, यहाँ से पढ़ो। मधुकोश पेटी का ये छेद होता है यहाँ पर, और इसके कटोरी जैसा होता है, और यहाँ पे सब जगह पानी भरा है। इसके ऊपर हम लोग एक गैस जार उल्टा करके रख देंगे। ये क्या है? गैस जार। और अभी इसमें क्या था? पानी। ये क्या है अभी? जब ये गैस बनने लगेगी तब ये जो बुलबुले ऊपर जाएंगे और पानी नीचे आएगा कि नहीं? जल विस्थापन विधि कहते हैं इसको। कोई पानी हो, आप उसको देरा से यूं उठाते हो तो पानी फट से नीचे आ जाता है और उसमें क्या भर जाता है? हवा। तो यहाँ क्या भरेगी? ऑक्सीजन। कौन सी गैस? ऑक्सीजन। यहाँ पर ऑक्सीजन जब भरने लगेगी तो पानी अपने आप नीचे जाता है और एक पोजीशन ऐसी आएगी कि ये पूरा ऑक्सीजन से भर जाएगा और पानी सारा नीचे आ जाएगा। जब हम इस तरीके से किसी गैस को जमा करते हैं या किसी गैस जार में भरते हैं तो उस विधि को कहते हैं जल विस्थापन विधि। क्या कहते हैं? जल विस्थापन विधि। जल विस्थापन मतलब कि ये जल को विस्थापित कर रही है, हटा रही है। वाटर डिस्प्लेसमेंट, पानी को हटाकर वो अपनी जगह बना रही है। तो इस विधि का नाम पढ़ो। हाँ, और इसमें डाला क्या था हमने? हाइड्रोजन परऑक्साइड। किस पे डाला था? मैंगनीज डाइऑक्साइड। इससे गैस कौन सी बनी? ऑक्सीजन। और इनके नाम मधुकोश, इसका नाम क्या बोलो? प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाना, ये वाली विधि है। और इसकी जो इक्वेशन है वो लोग लिखो। चलो जो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, यही बनाएगा गैस। एमएनओ तो केवल इसको क्रिया करने के लिए है, ये इसमें हिस्सा नहीं। इसको मैं फिर थोड़ा सा और समझाऊंगा।